हेलो फ्रेंड्स, इमो कार्ड ट्रिक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक और नई ट्रिक लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो एकदम बढ़िया और दमदार ट्रिक है। दोस्तों ये तो एकदम इजी ट्रिक है दोस्तों, और कभी भी आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। तो उससे पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है हमारे चैनल का प्रमोशन चालू है दोस्तों, इसे मजाक में मत लेना दोस्तों, ये तो सच में कह रहा हूं मैं। किसी एक रैंडमली सिलेक्टेड विनर को सैमसंग गैलेक्सी A71 मोबाइल गिफ्ट मिलने वाला है। इसका रीजन ये है ताकि हमारे चैनल का प्रमोशन जल्द से जल्द बढ़े, तो इसका ये मेन रीजन है। आपको भी पता है यूट्यूब का एक दबार का इनकम क्या होता है एक बार फेमस होने के बाद, तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं दोस्तों A71 का। तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलो दोस्तों चलते हैं ट्रिक के पास। जैसे कि आप सबको पता है ये तो एक टोटली इम्प्रॉम्प्टू ट्रिक है दोस्तों, तो इसमें जितना चाहिए शफल कर सकते हो दोस्तों। शफल कर लिया, इसके लिए दो स्पेक्टेटर चाहिए होंगे, तो दो स्पेक्टेटर है नहीं, मैं खुद आपको स्पेक्टेटर बन के ट्रिक के पर्पस के लिए दिखा देता हूं दोस्तों। तो आप देख सकते हो जैसे कि टोटली शफल डेक है। अब ट्रिक के पर्पस के लिए, चलो एक और बार मैं आपको शफल करके दे देता हूं। अब मेरे को एक प्रेडिक्शन चाहिए जो रैंडमली सेलेक्ट करके लेंगे, तो रैंडम सेलेक्ट करने के लिए एक पाइल फेस अप किए, फिर दूसरा वाला फिर फेस अप किए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इधर पे जो पहला वाला फेस डाउन कार्ड आएगा उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये पहला वाला फेस डाउन कार्ड है, तो रैंडमली इसको सेलेक्ट किए, तो अब इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब कोई अब दो स्पेक्टेटर चाहिए रहता है, तो मैं खुद आपको कैमरा एंगल में स्पेक्टेटर बन के कार्ड निकाल के दिखाता हूं। तो चलो ट्रिक के मेन चीज पे चलते हैं। तो हमें स्प्रेड किया स्पेक्टेटर, इसमें कोई भी दो कार्ड निकाल सकता है, उसकी मर्जी होगी। चलो ये निकाला। स्पेक्टेटर वन का कार्ड रहा जैक्सन ऑफ हार्ट्स, स्पेक्टेटर टू का कार्ड रहा सिक्स ऑफ हार्ट्स, दोनों का हार्ट से दोस्तों देख लो। अब स्पेक्टेटर वन ये रहा, स्पेक्टेटर टू ये रहा, आप देख सकते हो। अब समझो मैं स्पेक्टेटर वन का कार्ड इधर डालने के लिए बोलूंगा, स्पेक्टेटर खुद डाल रहा है दोस्तों मायने। आप जितनी मर्जी चाहिए कार्ड डाल सकते हो ऐसे बीच में छोड़ने के लिए, ताकि स्पेक्टेटर को लगे हाँ भाई पूरा कार्ड डेक शफल्ड है करके, जितने चाहिए डाल सकते हो। अब फिर ये करेंगे स्पेक्टेटर टू का कार्ड डालेंगे। अब चलेंगे ट्रिक की ओर। अब ये रहा हमारा ट्रिक, देख सकते हो दोस्तों टोटली शफल डेक है। मैं और ज्यादा मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, एक टोटली इम्प्रॉम्प्टू ट्रिक है दोस्तों, आप भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। पर उसके लिए प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों, बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है, इतना ध्यान में रखना। अब मैं स्पेक्टेटर से कहूंगा, उनका सिलेक्शन था, वो बंदे कार्ड कट किए, वो बंदे कार्ड निकाले, जो भी था उनका, मैं कभी भी उनको फोर्स नहीं किया। तो ये था हमारा रैंडमली सिलेक्टेड कार्ड। अब मैं उनको कहूंगा दोनों को पहले लेने के लिए, ये दो रैंडमली सेलेक्टेड कार्ड है छह, तो मैं उनसे कहूंगा छह कार्ड नीचे करें, एक दो तीन चार पाँच, ये रहा सिक्स कार्ड ऊपर, ये सिक्स कार्ड रहा पहले स्पेक्टेटर का जैक्सन ऑफ हार्ट्स। अब मैं स्पेक्टेटर टू से भी यही कहने वाला हूँ, एक दो तीन चार पाँच, अभी सिक्स कार्ड ऊपर है उनका, तो उसका रहेगा सिक्स ऑफ हार्ट्स इधर पे। ये थी दोस्तों हमारी ट्रिक्स। अब चलते हैं इसके ट्यूटोरियल्स पे। ये तो एकदम आसान सी ट्रिक है दोस्तों, आप घर पे भी कर सकते हो। अब मैं इसको दिखाता हूं आपको कैसे करते हो। ये जैसे कि एक टोटली इम्प्रॉम्प्टू ट्रिक है, स्पेक्टेटर जितने चाहिए शफल कर सकता है दोस्तों, जितने चाहिए कट कर सकता है। बस आपको एक चीज करना होगा, स्पेक्टेटर को फोर्स करना होगा। फोर्स तो आप भी जानते हो दोस्तों, जैसे भी चाहिए कर सकते हो। समझो बीच में एक सिक्स है, कोई भी सिक्स निकाल लो, समझो ये वाला सिक्स है, कोई भी सिक्स निकाल लो,
पिंकी ब्रेक दे दो। पिंकी ब्रेक देने के बाद उससे कहो कि समझो ये वाला सिक्स है, ये पिंकी ब्रेक इसको बोलते हैं, पिंकी ब्रेक दे दो, प्रेस करके होल्ड कर लो ताकि पता ना चले। पिंकी ब्रेक देने के बाद उसको फोर्स करो, कार्ड पे फोर्स करो, कार्ड पे फोर्स करो और कहो कहीं भी स्टॉप करने के लिए। जैसे ही स्टॉप बोलेगा बंदा, कार्ड हटा दो, उसका कार्ड दे दो, दिखाओ मत दोस्तों, जो कार्ड है उसको दिखाओ मत, रैंडमली सेलेक्टेड है करके रख दो बस। या फिर ऐसे कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करने के बाद लेके उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, बीच में कहीं भी कंट्रोल कर सकते हो, पिंकी ब्रेक के साथ लिफ्ट करके कंट्रोल भी कर सकते हो, कंट्रोल करके टॉप पे भी ला सकते हो, ला के रैंडमली सेलेक्टेड कार्ड है करके बोल के भी रख सकते हो। या फिर मैं जो तरीका किया था वो आपको दिखाने वाला हूँ। मैं टोटली शफल किया था, शफल करके जो ये नीचे सिक्स था उसको टॉप में कंट्रोल किया था, ऐसे जो ये नीचे वाला सिक्स था इसको टॉप में कंट्रोल किया था मैं ऐसे, तो पूरे कार्ड लेके आ गया, समझो ऐसे, तो पूरे कार्ड लेके आ गया ऐसे। पहले एक बार एक दो निकाला, फिर ऐसे टॉप में कंट्रोल किया था दोस्तों ऐसे। करने के बाद देखो आप सिक्स डाउन में भी है, टॉप में भी, जो भी चाहिए आपको वो कह सकते हो और रैंडमली सिलेक्टेड कार्ड करके इधर पे रख सकते हो। उसके बाद फिर से डेक को शफल कर लो दोस्तों, जितना चाहिए शफल करने, स्पेक्टेटर के हाथ में थमा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, स्पेक्टेटर के हाथ में थमा दो। अब स्पेक्टेटर शफल कर रहा है, शफल कर लिया, अब स्पेक्टेटर से कार्ड ले लो और कहो स्प्रेड कर दो टेबल पे पूरी तरह से, और कहो कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर ले। पहला वाला स्पेक्टेटर सेलेक्ट किया जैक सेन ऑफ डायमंड्स, फिर से दूसरा वाला सेलेक्ट किया फिर थ्री ऑफ डायमंड्स, तो स्पेक्टेटर वन और स्पेक्टेटर टू का कार्ड था, ठीक है। तो आपको ये करना होता है, पहले 12 कार्ड निकालना होता है ऐसे, एक एक करके नहीं दोस्तों, ध्यान में रखना, 1 2 3 करके नहीं निकालना होता है, कुछ भी नहीं कहना होता है, बस ऐसे डालना होता है रैंडमली, जैसे डाल रहे तीन तीन करके चार बार डालना होता है। देखो तो चौथी बार डाला तो मैं कितने हुए 12 कार्ड, ये रहे आपके 12 कार्ड दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। तो ऐसे 12 कार्ड कभी भी नहीं डालना होता है दोस्तों, बस ये करना होता है 1 2 3 करके गिनना नहीं होता है, स्पेक्टेटर के आगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रैंडमली निकालो, तीन तीन गिनना नहीं होता है, सिर्फ मैं आपको ट्रिक के पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ, तीन ऐसे चार बार डाल लो, बस ये करना होता है आपको। तो चलो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसे तो डालना होता है, डालने के बाद स्पेक्टेटर वन को कहना होता है उसका कार्ड ऊपर रख दे। यह तो आपको पता होना करके जरूरी कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं ट्रिक के पर्पज के लिए आपको फेस अप पे रखा हूँ, तो डालना होता है जो भी कार्ड है वो ऑटोमेटिक ट्रिक काम कर जाएगा। ये टोटली इम्प्रॉम्प्टू ट्रिक है और मैथमेटिकल ट्रिक है, ऑटोमेटिक काम कर जाता है। फिर जितने कार्ड चाहिए फिर नाटक करते जाओ, जैसे डाल रहे हो चार पाँच करके डाल रहे हो, ऐसे नाटक करते जाओ, जितने चाहिए डाल सकते हो या फिर पूरा डेक ऊपर डाल सकते हो। ऊपर डाल के इसको 12th पे 13th कार्ड पे कंट्रोल करना होता है आपको ऐसे। तो अब ये रहा आपका स्पेक्टेटर का कार्ड, समझो मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये रहा आपका स्पेक्टेटर का कार्ड जैक्सन ऑफ डायमंड्स 13th पे। अब फिर से ये करना होता है आपको, 11 कार्ड डालना होता है जिसे पहले डाले थे, पहले वाले में 12, दूसरे वाले में 11, तो 3 6 9 10 11 ऐसे डालना होता है। ध्यान में रखिए, गिन के नहीं डालना होता है, ऐसे रैंडमली तीन तीन करके लेना होता है ताकि स्पेक्टेटर को पता ना चले। अब देखो 9 हुआ 11, फिर आप क्या करना होता है, स्पेक्टेटर टू का कार्ड लेके 3 ऑफ डायमंड्स डालना होता है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, पूरे डायरेक्टली जो भी है डेक ऊपर छोड़ देना होता है आपको, ये करना होता है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका ध्यान में रखे, जो भी है पूरा डायरेक्टली छोड़ देना होता है। फिर से आपको ये कहना होता है, मैं फिर से एक और मिक्स करने वाला हूँ ताकि आपको भी लगे करके। तो चालू करना है, पहले लेफ्ट से चालू करना है, राइट में जाना है दोस्तों, लेफ्ट से चालू, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे डालना होता है दोस्तों, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके डालना होता है ताकि उनको भी पता चले हाँ भाई बंदा दोनों कार्ड को शफल कर रहा है, उनको लगे कि शफल हो रहा है करके। अब इस समय में आपको उनसे बात करना होता है ताकि उनका ध्यान आपकी ट्रिक की ओर जाए। ये करने के बाद ये होता है जो आखिरी कार्ड गिरता है 51, ये 52nd कार्ड है दोस्तों, तो 51 कार्ड इस पे गिरा, तो इस जगह पे जो स्पेक्टेटर का सिलेक्शन है 13 नंबर पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 नंबर पे होगा स्पेक्टेटर का सिलेक्शन जैक्सन ऑफ डायमंड्स। तो आपको इधर पे ये करना होता है, फिर से डेक लेना होता है, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कार्ड को नीचे करना होता है, तो नीचे निकाल के, ये भी ऐसे लगेगा उसको जैसे शफल कर रहा है बंदा, क्या करना होता है डेक को लेना होता है वन टू थ्री, मतलब स्पेक्टेटर के आगे कभी भी लाउडली गिनना नहीं होता है, बस ऐसे करना होता है जैसे कि आप देखो अब मैं क्या किया सेवन कार्ड्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन लिया और इसको नीचे कर दिया, करने के बाद इसको ऐसे रख देना होता है इधर पे, फिर इसको निकालना होता है, ये तो एकदम पक्का सिक्स पोजीशन में रहेगा, इसको सिक्स में किया गया था पर ये पक्का सिक्स पोजीशन में रहेगा, उसके बावजूद भी आपको नाटक करना होता है क्योंकि ये किए थे वो बंदा बताएगा ये भी शफल करो करके, तो नाटक करना होगा वहां फोर फाइव कार्ड, बस फाइव से ज्यादा नहीं निकालना था दोस्तों क्योंकि फाइव के बाद उनका सिलेक्शन होता है, तो फाइव के बाद ऐसे रख देना, निकाल के नीचे नहीं डालना है आपकी बार, पिछली बार जो नीचे डाले थे वो सिक्स में कंट्रोल करने के लिए, तो निकालना ऊपर ही डाल देना होता है, वन टू थ्री फोर फाइव ध्यान में रखना होता है, फाइव कार्ड्स बस ऊपर डाल देना होता है, बस डालने के बाद रख देना है और कहना है शफल, आपको स्पेक्टेटर को कार्ड ले लो हाथ में, दोनों को दो डेक ले लो और ये मेरा प्रेडिक्शन है जो रैंडमली सिलेक्टेड प्रेडिक्शन था, किसी की मर्जी नहीं थी, तो उसको एक कार्ड घुमाना है और कहना है स्पेक्टेटर वन को सिक्स कार्ड्स डालने के लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स कार्ड को घुमा के रखने के लिए बोलना है और ये छोड़ दो, फिर इसको भी वही कहना है सिक्स कार्ड आप भी डालो करके स्पेक्टेटर बी को, वन टू थ्री फोर फाइव डालना होता है सिक्स कार्ड पे, इसको इधर पे छोड़ना होता है, अब पूछना होता है क्या था आपका सिलेक्शन, अब वो बंदा बताएगा जैक्सन ऑफ डायमंड्स, ये घुमा के देखेगा चौक जाएगा दोस्तों, बढ़िया रिएक्शन रहेगा एकदम बढ़िया, तो ये बस स्पेक्टेटर टू सोचेगा मैं इसका आ गया मेरा तो आना नामुमकिन के बराबर है, इतने बड़े कट्टे में कहां से निकाल लेगा बंदा, क्या हम लोग चूतिए क्या करके, तो एक्चुअल में इधर पे उसका भी कार्ड निकल आएगा, दोनों का रिएक्शन रहेगा एकदम वाव। ये थी दोस्तों हमारी ट्यूटोरियल्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि और नई वीडियो में आपको इससे बढ़िया वीडियो लेके आता रहूं, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।